मैं विशाल, आप देख रहे हैं अमेजिंग अनबॉक्स। और आज मेरे पास है आप लोगों के लिए एक रिंग लाइट जो आपको अमेजोन पर देखने को मिल जाएगा अंडर 500 में, और मैंने इसे लिया है 499 पे। तो करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और देखते हैं क्या ये वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करती है या नहीं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है ये बबल रैप में लिपटा हुआ, और उसके अंदर और एक प्लास्टिक पैकेट है, और ये है हमारा मेन रिंग लाइट जिसे देखेंगे हम बाद में। और इसके साथ मिलते हैं कुछ एक्सेसरीज जो डिटेल में मैं आपको अभी बताता हूँ। पहला जो है वो है ये बॉल हेड माउंट, जिसके सहारे आप इसको ट्राइपॉड में लगा सकते हो, वो मैं दिखाऊंगा आपको आगे, और काफी एंगल से आप इसे एडजस्ट भी कर सकते हो। और नेक्स्ट जो मिलता है वो है ये मोबाइल को माउंट करने के लिए, और ये है मोबाइल फोन का स्टैंड। तो ये कुछ सारे चीजें आपको देखने को मिलते हैं, और ये रहा हमारा मेन रिंग लाइट। और इसका जो केबल है वो काफी लंबा दिया हुआ है, और जो केबल क्वालिटी है वो भी ठीक ठाक है। और यहाँ पे आपको देखने को मिलता है इसका ये रिमोट, तो रिमोट में भी चार फंक्शन है वो मैं आपको बताता हूँ आगे। इसका जो पावर सोर्स है वो है USB, तो आप इसको अपने स्मार्टफोन के जो चार्जर है उसे भी चला सकते हो, और या फिर आपके पास अगर पावर बैंक है तो उसे भी चला सकते हो। ये रहा हमारा पावर बैंक, तो इसे मैं चलाऊंगा अपने पावर बैंक से, जो कि है 10,000 mAh के पावर बैंक। किसी भी पावर बैंक से आप चला सकते हो इसको। तो जैसे मैंने इसको पावर बैंक से कनेक्ट किया तो यहाँ पे एक ब्लू लाइट जो है वो ऑन हो गया, और यहाँ पे इसका है पावर बटन, तो इसको मैंने जैसे ही क्लिक किया तो हमारा जो रिंग लाइट है वो ऑन हो गया। सच्ची बताऊँ इसकी जो ब्राइटनेस है काफी ज्यादा अच्छा है प्राइस के हिसाब से। और यहाँ पे आपको एक प्लस माइनस वाला भी बटन देखने को मिलता है, जिसके सहारे इसकी जो ब्राइटनेस है वो आप घटा सकते हो और बढ़ा सकते हो। और मिडिल वाला जो बटन है वो काम करता है इसकी जो लाइट की जो मोड है उसको चेंज करने के लिए। आपको तीन तरह की मोड आपको देखने को मिल जाए इसमें, एक है वार्म और एक है कूल और ये एक है दोनों का मिक्सर। तो मिक्सर वाला जो है वो ज्यादा ब्राइटनेस आपको प्रोवाइड करती है। तो इसके साथ जो एक्सेसरीज दिए हुए हैं उसको मैं जल्दी से लगा लेता हूँ। तो ये रहा मोबाइल माउंट का जो स्टैंड है वो, तो ये लगेगा पीछे की साइड इस तरह, और मोबाइल का जो माउंट है वो भी इसकी जो बॉल हेड इसमें लग जाएगा। और यहाँ पे मेरा एक ट्राइपॉड है पुराना, तो इसमें मैं इसको माउंट करूँगा अभी, तो कुछ इस तरह दिख रहा है अभी। और इसमें अभी मैं अपना जो स्मार्टफोन है इसको मैं लगा रहा हूँ, तो आसानी से ये लग जाता है यहाँ पे। और क्वालिटी की बात करूँ तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा क्वालिटी है। तो ऐसा कुछ सेटअप होगा आपके फ़ोन के साथ, और इसे आप ऐसे रख सकते हो, और इससे आप इंस्टा रील्स बनाओ, कुछ भी बनाओ, टिकटॉक तो नहीं बना सकते, इसका मुझे कोई अफसोस नहीं है, खुशी है इस बात की। और मैंने इसे मंगवाया अपने गेमिंग चैनल के लिए, और मेरा जो सेटअप है वो ऐसा नहीं होने वाला, मैं यूज़ करूँगा अपना DSLR। तो मैं आपको अभी फट से इसे चेंज करके दिखाता हूँ। तो कैमरा सेटिंग जो है वो मैंने सेम ही रखा है, उसमें कुछ चेंजेस नहीं होगा, मैनुअल मोड पर है। तो अभी करते हैं इसको ऑन, तो ऐसा कुछ ही दिखता है। और अभी जो लाइट है वो दोनों का मिक्सर है, मतलब कूल और वार्म लाइट दोनों एक साथ जल रहा है, और अभी जो है वो है कूल लाइट, और अभी है इसका जो वार्म लाइट है वो। तो अभी मैं इसकी जो ब्राइटनेस है उसको मैं माइनस पे ले जा रहा हूँ, तो कुछ ऐसा दिख रहा है। अभी बात करते हैं इसकी वैल्यू फॉर मनी की। प्रोडक्ट है वो काफी अच्छा है, आपको 499 पे अमेजोन पे मिल रहा है, आपको काफी ज्यादा फंक्शन भी इस पे देखने को मिल जाते हैं, और पावर बैंक के साथ भी आप इसे कनेक्ट कर सकते हो। तो छोटे मोटे जो फोटो शूट हैं या फिर आप अगर लाइव स्ट्रीम वगैरह बनाते हो यूट्यूब पे, फेस पे लाइट अप करना है तो इसे आसानी से कर सकते हो। इसके साथ आपको काफी सारे माउंट्स भी देखने को मिल जाते हैं, तो ओवरऑल जो प्रोडक्ट है वो काफी अच्छा है, तो मेरे हिसाब से आप बाय कर सकते हो। और बेस्ट बाय लिंक जो है मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया, तो आप वहां से जाके बाय कर सकते हो। तो गाइज इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में और एक नए गैजेट के साथ। अंडर 500 ही होगा क्योंकि मैंने मंगवा के ऑलरेडी रख दिया है, दो गैजेट मेरे पास है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा बाय बाय।